मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत के चिकित्सकीय सुविधाओं के निरीक्षण के बाद कहा कि कोरोना से पूरी दुनिया त्रस्त है, इससे निपटने के लिए हमने वैक्सीनेशन के लिए अभियान तेज किया है। बागपत जनपद में वैक्सीनेशन ड्राइव लगभग 80% हो चुका है। वहीं प्रदेश में अब तक करीब 99% फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन हो चुका है। उत्तर प्रदेश में अब तक 25,70,00,000 लोगों ने फर्स्ट डोज ले ली है। ऑक्सीजन के लिए उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर हो चुका है। अब तक प्रदेश में 551 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हो चुका है। कोरोना की तीसरी लहर काबू में है। सबसे बड़ी महामारी सर कोरोना सर सीजन के प्रबंधन के लिए पिछले लगभग 2 वर्षों से बैठ के ही काम बनेगा, ऐसे नहीं पूरा देश भैया कैमरा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन के लिए आभारी है। दुनिया के अंदर भारत का कोरोना प्रबंधन सबसे अच्छा साबित हुआ है। इसके पीछे प्रधानमंत्री जी का पूरे देश के प्रत्येक राज्य के मामले को कांस्टेंट मॉनिटरिंग मुख्य कारण रहा है। जीवन और जीविका दोनों को बचाने का जो मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी का था वह कारगर साबित हुआ। भारत के अंदर बनी दोनों वैक्सीन दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन भी साबित हुई। प्रथम वेव के बाद उसे सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया। सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की क्राइसिस की बात देखने को मिली तो उसके बाद ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी प्राप्त किया गया। अकेले उत्तर प्रदेश ने 551 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का हर जनपद ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के साथ ही अगर मैं बागपत की बात करूं तो सेकेंड वेव के बाद यहां 6 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, जिसमें पीएम केयर से हमारे लोकप्रिय सांसद जी और अन्य जनप्रतिनिधियों के सक्रिय योगदान से सीएसआर से भी यहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं और वे सभी क्रियाशील हैं। इसके साथ ही थर्ड वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही थी, प्रारंभ से ही सेकेंड वेव के तत्काल बाद जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दुनिया के, उन सब ने कहना प्रारंभ कर दिया था कि थर्ड वेव तो आके रहेगी और अगस्त सितंबर में आएगी। थोड़ा हार्ड साइड कर लेंगे सर, हम लोगों ने पहले से इसके इंतजाम भी किए थे। ऐसी बस 72,000 है। आज मैं इसीलिए बागपत के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए भी आया हूं कि हमें भारत निर्वाचन आयोग अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन तो करे ही, लेकिन साथ साथ कोरोना को नियंत्रित भी करना है। कोरोना पूरी तरह नियंत्रण की ओर है। मेरी जनता जनार्दन से ये अपील होगी कि उन सब के सहयोग से
प्रथम और द्वितीय लहर को सफलतापूर्वक नियंत्रित करके और उसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे मॉडल भी देश के सामने प्रस्तुत किए। आज जब थर्ड वेव आ ही गई तो इस थर्ड वेव को देखते हुए यह नियंत्रण में है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, भागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सतर्कता और सावधानी से कोरोना से बचाव के लिए जो गाइडलाइन भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की है हम उसका पालन करें। मेरा विश्वास है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोग बहुत शीघ्र थर्ड वेव पर भी प्रभावी नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। यहां पर प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों और हेल्थ वर्कर्स ने कोरोना वॉरियर्स ने गाइडलाइन का पालन करवाते हुए जनता जनार्दन के साथ मिलकर के इसे प्रभावी नियंत्रण में करने का प्रयास किया है। आज उसी का परिणाम है कि मात्र 3 कोरोना के मामले ही हॉस्पिटल में हैं, शेष लोग होम आइसोलेशन में रहकर के सफलतापूर्वक अपना उपचार कर रहे हैं और हमारी निगरानी समितियां इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर से उनकी निरंतर निगरानी की जा रही है, कहीं भी कोई समस्या इस स्थिति में नहीं है। आज मैं इसीलिए यहाँ निरीक्षण करने के लिए आया था। बहुत बहुत धन्यवाद।